बिल्डिंग चेक करो कैसी बिल्डिंग है ये देखो, इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड जा रही है और बीच में बिल्डिंग बना दी। लोग ना पानी के ऊपर बैठे हुए किश्तियों पे देखो आरती देखने के लिए। बनारस गाइस तीन चीजों के लिए फेमस है, एक साड़ी, दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल, तीसरा इसके घाट। हे गाइस वाराणसी में आपका स्वागत है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 और मैं जा रहा हूँ वाराणसी को एक्सप्लोर करने। चलो चलते हैं। गाइस ऑटो वाले ने उतार दिया 1.5 किलोमीटर पीछे, अभी यहाँ से ना पैदल जाना पड़ेगा। और ना उधर दिशा मेरे को एक बंदा मिला, कह रहा 300 रुपए लगेगा। वहाँ हमारी ना दुकान है प्रसाद की, आप प्रसाद लो और ना साथ में आपके दर्शन भी करवा देंगे, ठीक है। टीके के 300, बाकी आपकी मर्जी है, जो श्रद्धा से देना। मैंने बोला नहीं चाहिए भाई, हम लाइन में लग के दर्शन कर लेंगे। चलो चलते हैं, कहाँ पे? काशी विश्वनाथ टेम्पल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। चलो चलते हैं और दर्शन करते हैं। फॉरनर्स भी आते हैं यहाँ पे गाइस, देखो। मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर और ना बाहर आपको ना बहुत बंदे मिलेंगे जो बोलेंगे अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, यहाँ बाहर लॉकर में रख दो। वो ना पैसे लेते हैं आपसे, तो वहाँ पे मोबाइल अपना मत जमा करवाना, अंदर जगह मिलेगी वहाँ पे करवा लेना। गाइस वो पीछे रहा काशी विश्वनाथ मंदिर, दिख नहीं रहा वहाँ से, उस इधर भी ना बहुत सारे मंदिर है और इतने अच्छे दर्शन हुए ना, 6 से 12 ना अंदर से दर्शन होते हैं और बाकी टाइम बाहर से होते हैं। मंदिर के पास में ये मार्केट है, आपको यहाँ से रुद्राक्ष और ये सब कुछ मिल जाएगा, साड़ियाँ। देखो कैसे पसीना पसीना हो गया पूरा ना, डेढ़ घंटा लगा दर्शन करने के लिए। ये देखो फोन इलेक्ट्रॉनिक सब बाहर जमा करा लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं मन करना घाट, जिसपे हमेशा चिता जलाई जाती है, 24 घंटे वहाँ ना चिता जलती रहती है। कभी वो ना घाट है ना, वो घाट कभी भी ठंडा नहीं हुआ, हमेशा चिता जलती रहती है। अभी चलो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको, बने रहो व्लॉग में। भारत माता की जय। लोग आज देखो घाट, बनारस के घाट देखो, कितनी सारी बोटे चल रही है और लोग बैठे हुए हैं सीढ़ियों पे, मजे ले रहे हैं। व्यू चेक करो एक बारी, व्यू क्या खतरनाक व्यू लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं ना कहीं वहां चला गया हूँ, बाहरले देश ही चला गया हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस बनारस गाइस, तीन चीजों के लिए फेमस है, एक साड़ी, दूसरा काशी विश्वनाथ टेम्पल, तीसरा इसके घाट। जो बनारस में घाट है ना, 80 से ज्यादा घाट है यहाँ पे, 80 से ज्यादा। और ना एक चीज और मेरे को ना, ये तो पता था कि अंग्रेज दिल्ली और ऋषिकेश तो बहुत जाते, लेकिन ये नहीं पता था कि बनारस में भी इतने ज्यादा अंग्रेज आते हैं। ये देखो यहाँ पे ना बैठे हुए हैं अंग्रेज लोग और भी बहुत सारे घूम रहे हैं, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको, मेरे सामने ना एक चीज और है, जो भी मैंने बोला था ना आपको पहले कि दिखाता हूँ, रुको शवर करो, दिखाता हूँ, बने रहो ब्लॉग में। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। और आप ना जो ये बोट है ना, बोट आप इसमें भी ना जितने भी यहाँ पे घाट है ना वो घूम सकते हो सिर्फ 100 रुपए में। लगी नहीं रहा कि ये इंडिया है, देखो चेक करो। और ये वही जगह है जहाँ पे फॉरनर्स आते हैं और ये वही घाट है जो कभी शांत नहीं रहता है। यहाँ पे जितने भी घाट है ना सब ना साथ साथ ही है, जैसे वो वाला जहाँ पे लाशें जल रही है वो अलग घाट है, और जहाँ पे मैं आ गया ये है ललिता घाट, थोड़ा सा और आगे जाएंगे एक और घाट आ जाएगा। मतलब चलते रहो 2-2 मिनट के बाद एक घाट आता रहेगा, नाम चेंज होता रहेगा घाट का। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और ना 7 बजे आरती होगी, तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, चेक करो इधर। अभी मैं पता नहीं कौन से घाट पे पहुंच गया, मैंने इधर से आया था पैदल और कम से कम 10-12 घाट मैंने पार करके यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पे आरती देखेंगे उसके बाद निकलेंगे घर। क्या बोलते हैं इसको, घाट को नहीं, इसको सेब नमकीन। अभी का सेब नमकीन टेस्ट किया है, ये वाली तीखी है और ये वाली सही है, ले ली थोड़ी सी, खाते हैं और आरती इंजॉय करते हैं। आरती कितने बजे होती है भैया? 7 बजे। ये भैया ने डाल दिया नमक, अभी कर देंगे इसको मिक्स। खस्ता समोसा ट्राई करके देखते हैं, ये भी खस्ता समोसा। भीड़ चेक करो कितनी ज़्यादा होगी घाट पे भीड़, क्योंकि ना अभी आरती होने वाली है। देखो दूर दूर तक आपको ना सिर्फ भीड़ दिखेगी। अभी ये घाट ना पूरा खाली पड़ा था, अभी तो टाइम हुआ है 6:00 कुछ, अभी आरती होने में आधे घंटे से ज़्यादा पड़ा है, तब भी इतना फुल हो गया, सोचो आरती का टाइम क्या होएगा। और वो देखो अंग्रेज लोग वहाँ पे बैठ के आरती इंजॉय करेंगे, ऊपर भी बैठे हुए, ऊपर वाले पे और यहाँ भी बैठे हुए। आप ना शाम को ना यहाँ पे बोट से भी आरती देख सकते हो, 100 रुपये लगता है सिर्फ एक बंदे का, ठीक है। ये देखो जो लोग घाट पे बैठे हुए हैं, आप पानी के बीच में जाके वहाँ जाके भी देख सकते हो आरती। वो देखो गाइस यहाँ पे ना क्रूज भी चलते हैं बड़े वाले।
लोग ना पानी के ऊपर बैठे हुए किश्तियों पे, देखो आरती देखने के लिए। आरती अभी स्टार्ट होने वाली है। हर महादेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो बोलो, हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। दूसरा घाट था गाइस, ये दूसरा घाट है, इस पे भी आरती चल रही है, देखो अभी दिखाता हूँ आपको। क्रूज चेक करो गाइस, क्रूज बनारस में भी क्रूज है। आरती खत्म होने में रह गए 10 मिनट, और 10 मिनट बाद जो यहाँ पे भीड़ होने वाली है ना, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी निकल जाऊँ। सबसे फेमस क्या है बनारस का, साड़ियाँ। लो देख लो, यहाँ पे 200 रुपये से लेके 2 लाख तक की साड़ी मिल जाएगी आपको, चेक करो। आरती खत्म भी नहीं हुई और ना देखो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी अभी से। बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्ट्रीट बना रखी है, जैसे अमृतसर में बना रखी है ना स्ट्रीट, वैसी बना रखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा। और ना यहाँ पे क्राउड इतना ज़्यादा आता है ना, मैंने सोचा नहीं था कि इतना क्राउड आता होगा, और 12 के 12 महीने ना यहाँ पे ऐसे ही क्राउड रहता है। बिल्डिंग चेक करो कैसी बिल्डिंग है, ये देखो इधर से भी रोड आ रही है, इधर से भी रोड जा रही है, और बीच में बिल्डिंग बना दी। कैसी है अपनी डॉर्मेट्री जो हमें पड़ी है 250 रुपये की, अगर एसी वाली चाहिए वो 300 की पड़ेगी। गाइस जो मैंने अभी आपको डॉर्मेट्री दिखाई, वैसे तो वो 250 बोल रहे थे, लेकिन मैंने 200 रुपये करवा लिया, 2 दिन का 400, ठीक है। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, करता हूँ, आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।